इमरान खान की सत्ता छिन चुकी है। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिसे वहां अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। इमरान खान ने कोशिश बहुत की कुर्सी बचाने की, लेकिन उनकी एक ना चली। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नए वजीर आजम होंगे, उन्होंने कहा था कि किसी के खिलाफ बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा, लेकिन खबर यह आई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। खबरें ऐसी चल रही हैं। सवाल ये है कि क्या इमरान खान को पाकिस्तान के बाकी बड़े नेताओं जैसे नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए जिसकी संभावना फिलहाल बनती दिख रही है, अभी तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और ना ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभा पाया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री या तो मार दिए जाते रहे या विदेश भागने को मजबूर किए जाते रहे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप लगे। नवाज शरीफ इकलौते ऐसे नेता हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। पनामा पेपर लीक में उनका नाम सामने आने के बाद मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ पर आजीवन किसी भी सरकारी पद पर आने पर रोक लगा दी। जुलाई 2018 में उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ इलाज के नाम पर लंदन गए और वापसी नहीं हुई। साल 2009 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश में आपातकाल लगाने का मुशर्रफ का फैसला असंवैधानिक था। मुशर्रफ का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें भी देश छोड़कर पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुशर्रफ से राष्ट्रपति के तौर पर लिए गए अपने कदम का बचाव करने के लिए कहा, तब मुशर्रफ देश छोड़कर चले गए थे। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए तैयार हुआ था। करीब 5 साल तक ब्रिटेन में स्वर्ण निर्वासन में रहने के बाद वो आम चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान लौटे थे। इस दौरान 3 बड़े मामलों में गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। साल 2016 में इलाज के लिए मुशर्रफ को दुबई जाने की इजाजत मिली। उन्होंने वादा किया कि वो कुछ हफ्तों में अपने देश वापस लौटेंगे। 1 महीने बाद मुशर्रफ के खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई करते हुए एक विशेष अदालत ने वापस ना लौटने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब बात बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें भी जेल जाना पड़ा। जेल से मुक्ति मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा और उन्होंने देश छोड़कर यूएई में शरण ली। साल 2007 में बेनजीर वापस पाकिस्तान लौट आई। पाकिस्तान में वो चुनाव लड़ना चाह रही थी और इसी दौरान उन पर गोलियां चलाई गई और उनकी मौत हो गई। अब बात इमरान खान की। सवाल उठता है कि बाकियों की तरह क्या इमरान खान को भी पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर वो देश में रहकर फिर से जनता के बीच चुनाव में जाएंगे। माना जा रहा है कि अपनी सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान अपने लाखों समर्थकों की मदद से सरकार गिराए जाने के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इमरान के निशाने पर पाकिस्तान में बनने वाली नई सरकार रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान अगले कुछ दिनों में इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं और नई सरकार के खिलाफ हर एक प्लेटफॉर्म पर जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हालिया राजनीतिक संकट से इमरान खान को फायदा हुआ है और इससे वो जनता का ध्यान महंगाई, अक्षम सरकार और भ्रष्टाचार के आरोपों से हटाकर राजनीतिक चर्चा को केंद्र में लाने में सफल रहे हैं। माना जा रहा है कि इमरान खान की नजरें जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने पर हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता अब भी कायम है और चुनावों में उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। यानी इमरान मध्यावधि चुनावों में जीत के जरिए दोबारा पीएम बनने का सपना संजोए हैं। पाकिस्तान की राजनीति में विदेशों का भी, खास तौर पर अमेरिका का दखल बहुत रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि इमरान खान ने चीन के हाथों देश को बेच दिया है। अमेरिका और चीन की नीतियां ही रही हैं अपने पैसों के दम पर मुल्कों को गुलाम बना लेने की, और इन देशों से वित्तीय सहायता लेना पाकिस्तान को पड़ गया है बहुत महंगा।
इन पैसों का इस्तेमाल देश की गरीबी दूर करने के लिए नहीं बल्कि सैन्य ताकत को बढ़ाने और आतंकवाद को पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जाहिर है जितना विदेशी पैसा उतना दखल। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले एक साल के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ भले ही अब पीएम बन जाएं, लेकिन उनके सर पर ताज कांटों का ही सजने वाला है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें अब पाकिस्तान पर हैं, साथ ही इमरान खान पर भी। सवाल फिर से यही है कि पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए क्या इमरान खान को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, क्या उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, या फिर वो बिल्कुल खुले तौर पर जो चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, उसमें नजर आएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।